यस फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के झमाझम बारिश से। फाइनली यूपी में बारिश हो रही है। मतलब जब से हम आए थे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पर दो दिन से बारिश हो रही है, काफ़ी राहत है। एंड मौसम देखिए सुहाना हो चुका है। मैं आपसे बाद में मिलूँगी, मतलब फ़ेस टू फेस बाद में मिलूँगी। तो चलिए पहले हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ उत्तप्पा, या आप उसको बोल सकते हो सूजी का चीला। उत्तप्पा जो होता है थोड़ा मोटा बनता है, सूजी का चीला थोड़ा पतला बनता है, तो उसी के बीच का कुछ मैं यहाँ पर बना रही हूँ। एंड देखिए उसमें क्या होता है ना, सूजी लेते हैं, फिर दही डालते हैं, सूजी को दही में फुला देते हैं, उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स वगैरह आपको डालनी होती है वो डाल के आप उसका चीला टाइप बना सकते हो। उत्तप्पा जब बनाते हैं ना तो उसको ढक देते हैं, क्योंकि उत्तप्पा थोड़ा मोटा होता है ना तो वो पकता नहीं है। अगर ढक दो ना तो अंदर से अच्छे से पक जाता है। तो बस बाहर सब बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मैं यहाँ गरम गरम उत्तप्पा सबके लिए बना रही थी। फ्रेंड्स, अगर आपको किचन थोड़ी मैसी भी लग सकती है, ऐसा तो है नहीं कि ये दो लोगों की किचन है। हमारी किचन यहाँ पर, मतलब मेरी ससुराल की जो किचन है, काफ़ी बड़ी है, पर सामान भी बहुत है। यू नो, आप समझ रहे हो ना, गांव में बहुत सारा सामान आता है तो सब सामान ऐसे ही रखा रहता है। थोड़ी मैसी लग सकती है पर बहुत बड़ी किचन है हमारी। तो देखिए उत्तप्पा एकदम तैयार हो चुका है। हेलो एवरीवन, इट्स मी प्राक्षी एंड यू वाचिंग प्राक्षी वर्सेटाइल चैनल। आप कैसे हो जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जस्ट अभी मैं तैयार हुई हूँ और फटाफट तैयार हुई हूँ सिर्फ 5 मिनट में, क्योंकि अभी हमें करने जाना है शॉपिंग। यस, एक्चुअली मेरे देवर की एक फ्रेंड की शॉप है, तो मुझे एक सूट और साड़ी देखनी है और मम्मी के लिए भी साड़ी देखनी है। तो अंशु ने बोला कि भाभी मार्केट में जाना सेफ नहीं रहेगा, मेरे फ्रेंड का गोडाउन है वहाँ पर चलते हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, आप देख लेना, अगर आपको पसंद आएगा तो आप ले लेना। तो मैंने बोला कि सही है यार, गोदाउन में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ साड़ी देखने, और साड़ी मुझे तीज के लिए चाहिए। वैसे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि चाहिए ही चाहिए, वैसे कुछ साड़ी मैं लेकर भी आई हूँ, पर मम्मी बोल रही थी कि मेरी तरफ से ले लो, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ले लें। तो बस वही हम लोग देखने जा रहे हैं। एंड मैंने पहना है ब्लैक कलर का कुर्ती एंड प्लाजो, और उसके ऊपर है ये वाला येलो कलर का दुपट्टा। चलिए मैं आपसे आकर मिलती हूँ। तो बस हम लोग अंशु के दोस्त की दुकान पर आ गए थे, मतलब मेरे देवर की दोस्त की दुकान पर आ गए थे। एंड यहाँ पर मैं साड़ी देख रही थी, जो मुझे साड़ी चाहिए थी वो मैंने फाइनलाइज़ कर ली है, और एक सूट भी फाइनलाइज़ किया है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये वाली जो साड़ी है वो हम लोग मम्मी के लिए लेकर जा रहे हैं, जो भी उनको पसंद आएगी वो ले लेंगी। एंड ये वाली जो क्लिप है ना वो प्रीवियस डे की है। एक्चुअली क्या है ना, पहले हमने सोचा था कि हम मार्केट नहीं जाएंगे, तो अंशु बहुत सारी साड़ी लाया था, कम से कम 10 से 15 साड़ी सूट वगैरह वो घर पर ही ले आया था, कि जिससे कि हम लोगों को बाहर जाना ना पड़े। पर यार यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल रहा है साड़ी का, मुझे काफ़ी साड़ी पसंद भी आई। उसमें से एक साड़ी जो है मुझे देखते ही सार पसंद आ गई थी, मतलब कि मेरा दिल आ गया था उस साड़ी पर, मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं सोच रही थी कि साड़ी को सैनिटाइज़ करूँ या ना करूँ, या फिर हाथ धो लेंगे साड़ी देखकर, ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। मोस्टली जो साड़ी है वो बनारसी सिल्क वाली साड़ी लेकर आया है, एंड कुछ सूट भी लेकर आया है। तो मैं, दीदी, मम्मी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ये इतने दिन बाद शॉपिंग करने के लिए मिल रही है, वो भी घर पर सारा सामान आ जाता है। यार गाँव का, मतलब होम टाउन का यही फ़ायदा होता है ना, जो भी चाहिए आपको आसपास मिल जाता है। तो देखिए ये साड़ी थी, ब्लू कलर की साड़ी थी, ये हम सोच रहे थे मम्मी के लिए, मम्मी को बोल रहे थे कि कैसी लग रही है, मम्मी बोल रही थी कि उनके पास ऐसी साड़ी है। एंड लुक एट दिस साड़ी, और इस पर तो मेरा मन ही आ गया, मेरा दिल आ गया था, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी थी। पूरी सिल्क की साड़ी नहीं है, मतलब बीच में इसमें बहुत लाइट वेट कपड़ा है, और यहाँ पर सिल्क का बॉर्डर है, और ग्रीन कलर ना, मेरा बहुत मन कर रहा था कि मुझे ग्रीन कलर की साड़ी चाहिए, ग्रीन कलर की साड़ी चाहिए। और उसी साड़ी में ना 3 कलर थे, एक तो ग्रीन कलर था, येलो कलर था, और एक शायद रेड कलर था, हाँ रेड कलर था। तो मम्मी को दिखा देती थी, मैंने बोला आप येल्लो ले लो, मैं ग्रीन ले लेती हूँ। मम्मी बोलती है बाप रे कैसी साड़ी है, इसमें तो मैं चमक ही जाऊंगी। मतलब मम्मी बोल रही थी कि वो चमक ही जाएंगी, इतनी वाइब्रेंट वो नहीं लेंगी।
पर मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी ग्रीन वाली साड़ी, तो वही मैं मम्मी से डिस्कस कर रही थी कि ये लूँ या ना लूँ। पर एट द सेम टाइम मुझे लग रहा था कि थोड़ी हैवी तो नहीं हो जाएगी, तो बस वही सब हम साड़ियाँ देखने में बिजी थे। और देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे सूट का भी कलेक्शन था, जैसे कि ये वाला जो सूट है इसमें बनारसी सलवार थी और जयपुरी दुपट्टा था और कॉटन का कुर्ता था, और बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था, ये थोड़ा ग्रीन और ग्रे के बीच वाला कलर है, और एम्ब्रॉयडरी भी ऐसी नहीं लग रही थी ज़्यादा चमक दमक की। देखिए दूसरा जो सूट है ऑरेंज कलर का था, उसमें प्लेन बॉटम वियर था और बनारसी दुपट्टा था। ये वाला जो है इसमें बनारसी सलवार थी और मतलब जयपुरी प्रिंट वाला दुपट्टा था, तो मल्टीपल सूट के ऑप्शन भी लेकर आए थे, वही सब हम लोग देख रहे थे। ये वाला जो सूट है ना दी को काफ़ी पसंद आया, तो दी ने ये वाला सूट रख लिया है। सूट में भी मल्टीपल कलर ऑप्शन थे, जैसे कि येलो और रेड हो गया, ब्लू एंड पिंक हो गया, ग्रेइश एंड ब्लू हो गया, इस टाइप के कलर थे। तो येलो कलर तो मैं बहुत ज़्यादा पहन चुकी हूँ और मेरा मन भर गया है, एंड आई वॉन्ट सम सेटल कलर, तो बस वही सब मैं सोच रही थी कि कौन सा सूट रखूँ कौन सा नहीं। एंड देखिए यहाँ पर सारी साड़ीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि लेकर आए थे, थोड़ा होच पोच हो सकता है बिकॉज हम लोग देख रहे थे। एंड ये वाली जो साड़ी है ना जो मुझे पसंद आई वो इंडियन वुमेन की साड़ी है, इट्स वेरी पॉपुलर ब्रांड, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर आपको इस टाइप की साड़ी चाहिए ना तो आप सर्च कर सकते हो इंडियन वुमेन ऑन अमेज़ॉन वगैरह पे, तो आपको मिल जाएंगे। एंड देखिए यहाँ पर सारी साड़ीज़ मैंने लाइन से लगा दी थी जिससे कि आपको समझ आ जाए, नहीं तो हम लोगों ने तो ऐसे ही फैला कर रखी हुई थी। देखिए ब्लू कलर की है, ग्रीन है, पिंक है, रेड है, मतलब अंशु खुद से सेलेक्ट करके लाया था इतनी अच्छी अच्छी साड़ी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी हम लोगों को देखने में। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ और ऑप्शंस भी देखने थे, मुझे थोड़ी लाइट वेट साड़ी चाहिए थी, तो इसलिए आज मैं गई थी। एंड देखिए 5-6 साड़ी और लेकर आए हैं मम्मी के लिए, बस मम्मी अभी ट्राई कर रही हैं कि उन्हें कौन सी साड़ी रखनी है कौन सी नहीं। एक्चुअली मम्मी का ना पिंक साड़ी लेने का बहुत ज़्यादा मन था, पर हम लोग पिंक साड़ी भी लेकर आए थे, बट फाइनली मम्मी ने ग्रीन वाली साड़ी रखी है। फ्रेंड्स अभी मैं हूँ किचन में और बना रहे हैं कढ़ी, तो देखिए ये है पकौड़ी का जो भी मिक्सर रहता है, बेसन है इसमें, जीरा है, नमक मिर्ची वगैरह, उसका मैंने मिक्सर बना लिया है। अच्छे से इसको फेंटना पड़ेगा, जितने अच्छे से हम इसको फेंटेंगे ना उतनी अच्छी पकौड़ी बनेगी। तो चलिए फटाफट से मैं पकौड़ी बना लेती हूँ। एंड ये वाली जो रेसिपी है मैं आपको डिटेल में नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है इस वजह से, तो पहले पकौड़ी बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कढ़ी कैसे बनाती हूँ। कढ़ी तो मुझे बहुत पसंद है, आपको अच्छी लगती है या नहीं बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बस यहाँ पर मैं कढ़ी की पकौड़ी बना रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था जितना ज़्यादा आप उस मिक्सर को फेंटेंगे उतने ज़्यादा पकौड़े सॉफ्ट बनेंगे एंड अच्छे लगेंगे, मतलब जो पकौड़ी है ना वो डबल साइज़ की हो जानी चाहिए, फुल जानी चाहिए, तो माना जाता है कि हाँ परफेक्ट पकौड़ी बनी है। कोई कोई लोग ना पकौड़ी के मिक्सर में प्याज वगैरह भी डालते हैं कट करके, बट मुझे प्लेन पकौड़ी अच्छी लगती है कढ़ी में, तो वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। एक गैस पर पकौड़ी बन रही है एंड एक गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है जिसमें मैं छोंकने वाली हूँ कढ़ी। कढ़ी जब बनाते हैं ना उसमें हम डालते हैं मेथी दाना, कोई कोई लोग जीरा डालते हैं पर मेथी दाने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेथी दाना प्लस खड़े मसाले और जो खड़ी वाली लाल मिर्च होती है वो कढ़ी में काफ़ी अच्छा स्वाद देती है। बस यहाँ पर मैं कढ़ी को छोंक रही हूँ, एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ मेथी। मेथी इसलिए ऐड कर रही हूँ कि स्टार्टिंग से हमारे यहाँ कढ़ी में मेथी ऐड होती है, उसके बाद उसमें मैं डाल रही हूँ हींग, तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद जो खड़ी लाल मिर्च होती है ना वो डाल के थोड़ा सा चला लूँगी जब तक वो काली ना हो जाए। देन आपको उसमें ऐड करना है खड़ा मसाला। यस खड़े मसाले मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि उससे जो भी सब्जी होती है या कढ़ी होती है, छोले होते हैं, उसमें सुगंध अच्छी आती है, जैसे कि काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, दालचीनी हो गई, वो सब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ।
अगर आप कढ़ी बनाओ ना तो कभी ट्राई करना तेल में हल्दी और मिर्च स्टार्टिंग में ही डालकर, उससे क्या होगा ना कढ़ी का जो टेस्ट होता है और उसका जो कलर आता है काफ़ी अच्छा आता है। ये मैंने यूट्यूब पर ही देखा था, मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था ये वाली बात, पर जब से मैंने वो ट्राई किया ना मुझे काफ़ी टेस्ट में डिफरेंस लगा। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। एंड देखिए, बस यहाँ पर मैंने एक बाउल में दही ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, बेसन डाला है, उसमें नमक मिर्च हल्दी, थोड़ी सी हल्दी फिर से डाल सकते हो, और थोड़ा सा मसाला डाल के उसको मैं अच्छे से हैंड ब्लेंडर जो होता है पहले ज़माने का, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उससे ब्लेंड कर दूँगी। बस वो जो मिक्सचर था उसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है और उसको धीमे धीमे आंच पर हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकने देना है, और उसको लगातार चलाते जाना है। जब आपको लगे कि कढ़ी बन गई है उसमें आपको ऐड कर देनी है पकौड़ी। पकौड़ी डालने के बाद आप कढ़ी को कम से कम 5 से 10 मिनट तक गैस पर रखे रखिए, और उसके बाद कढ़ी तैयार हो जाएगी। बेटू क्या है आपके हाथ में? अरे मेरे लिए लड्डू पिलो भेजी है। क्या लिखा है पिलो पे? सुपर ब्रो। सुपर ब्रो लिखा है। यस, सो आर यू हैप्पी? आई एम हैप्पी। ये थैंक यू लड्डू। आज रोहित की फरमाइश पर बनी है पानी पूरी, नहीं पानी बना है पूरी बाहर से ही है। बगल में एक आंटी रहती हैं जो कि मार्केट में सेल करती है, तो उनसे ही हम लोगों ने ये पूरी ले ली है, और बाकी का सामान हम लोगों ने घर पर बनाया, जैसे कि पानी हो गया, छोले हो गए, प्याज वगैरह सब कट कर दी थी। एंड यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी, देखिए मेरे एक्सप्रेशन दिखा है क्या? कहाँ दिख रहा है? अच्छा तो मतलब यार नहीं, ऐसा लग रहा है पहले फर्स्ट है ना, इसके लिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, सेकंड खाओगे तो सही लगेगा। यस फ्रेंड, दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। बाय द वे, मैंने कल ना एक बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बहुत अमेजिंग कलेक्शन आपको दिखाया था कुर्ता कुर्ता सेट का। अमेज़ोन पर अभी भी सेल चालू है, आज के लिए है शायद, तो आप ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं परचेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक, माय हॉल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मेरे व्लॉग को प्लीज़ प्यार दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप प्यार देंगे उतने ज़्यादा मैं व्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।